ललितपुर में ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराया जा रहा था कि अचानक मटेरियल ले जा रही क्रेन पलट गई, जिससे एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ मुक्तेश्वर में मनाया गया वार्षिक उत्सव और क्रिसमस डे। बाड़मेर जिले में साइयों का ताला जाने वाले सरकारी मार्ग पर भू माफियाओं ने किया अवैध कब्जा, विद्यार्थी व ग्रामीणों का आना जाना हुआ मुश्किल। शाहजहांपुर में आज टाइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मेरठ में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून सीए के विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। एटीएम से रुपए निकालने वाले लोग सावधान रहे, क्योंकि मेरठ पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर मशीन से रुपए निकालने वाले गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया। देवरिया में धारा 144 लागू होने के उपरांत देवरिया कलेक्टर परिसर में सिपाहियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कायमगंज क्षेत्र में बीती रात अराजक तत्वों द्वारा अंबेडकर प्रतिमा का दायां हाथ तोड़कर सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मचा बवाल, जिलाधिकारी और रामपुर एसपी के निर्देश पर निकाला गया फ्लैग मार्च। सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी की 43 बटालियन ने एसएसबी का 56 स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। कुशीनगर जिले में धारा 144 लगने के बावजूद सीए के बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग, पुलिस बल पर भी किया पथराव। विदेश में रहने वाली जावेद अपनी शादी के लिए वापस आए तो उन्होंने पाया कि उनके खाते में पैसे गायब है, जो वो अपनी जनपद में रहने वाली भाभी के खाते में जमा करते थे। मिर्जापुर में भारी बारिश होने के कारण खेत और खलियान दोनों में सड़ रहे किसानों के धान। बस्ती जिले में गुरुद्वारे पर श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया गया। तराना में हनुमान अष्टमी की धूम, कहीं पर बाबा का श्रृंगार तो कहीं पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। देश भर में हो रहे एनआरसी और सीएबी के विरोध की आग अब जनपद संभल में पहुंची, जहां पर ज्ञापन देकर लौट रहे लोगों पर असामाजिक तत्व ने पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद भड़की भीड़ ने रोडवेज की बस को आग के हवाले कर दिया। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय दिल्ली में छात्रों पर किए गए पुलिस अत्याचार के विरोध में युवा छात्रों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पूरे प्रदेश के साथ मैनपुरी में हो रहे नागरिकता संशोधन एवं लूट हत्या बलात्कार एवं भ्रष्टाचार रोजगार को लेकर समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। हरदोई के अरवल थाना अध्यक्ष ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक्शन मोड में नजर आए। शहर के रुक्मणी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को गरीब परिवार की 85 छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। बच्चों के बीच उत्सव की भावनाओं को बढ़ाने के लिए स्कूल परिसर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।